हेलो गाइस, आई एम माधव लाटा फ्रॉम आईआईटी कानपुर। लेट्स स्टार्ट ग्रेविटेशन लेक्चर टू। सो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली टूवर्ड्स द अर्थ। अब पहले मैं एक बार ये एक्सप्लेन कर देता हूँ फॉलिंग फ्रीली का मतलब क्या है। फॉलिंग फ्रीली मतलब कि जो वो बॉडी है वो अर्थ की साइड फॉल हो रही है, उस पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, उसके अलावा कोई फोर्स नहीं लग रही, एयर रेजिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं, तो हम उस बॉडी को फॉलिंग फ्रीली बोल सकते हैं। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया जब एक बॉडी फ्री फॉल करती है अर्थ के साइड, तो उसकी वेलोसिटी के इंक्रीज होने का रेट। जब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ये ऑब्जेक्ट की शेप, साइज और मास पे डिपेंड नहीं करता है। लाइक ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, इट विल बी सेम। आप पेपर ले लो प्लेन, या उस पेपर को क्रम्बल करके एक बॉल बना के फेंक दो, वो सेम टाइम पे आएगा। रियलिटी लाइफ में जब वो उत्पन्न करते हैं वो सेम टाइम में नहीं आता है, उसका रीजन होता है उस पर एयर रेजिस्टेंस लग रहा होता है। बट हमने यहाँ पे पहले ही एक अजम्पशन लिया है कि बॉडी फ्री फॉल कर रही है, तो जब वो केस होगा, जैसे अगर आप उसको वैक्यूम में करो तो इट विल फॉल इन सेम टाइम। थर्ड पॉइंट इज इट इज डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल जी। ओके, सो अब हम जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो जो दोनों ऑब्जेक्ट है, अर्थ और वो ऑब्जेक्ट जो फॉल हो रहा है, उसके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स हो जाएगी एफ इज इक्वल टू जी। मास ऑफ अर्थ हम ले सकते हैं एम ई, ऑब्जेक्ट का मास ले लेते हैं एम। और जो ऑब्जेक्ट अर्थ पे फॉल हो रहा है, तो अर्थ की रेडियस पे रेस्पेक्ट में हम उसकी हाइट को अगर हम नेग्लिजिबल मान लें तो नीचे आ जाएगा आर ई का होल स्क्वायर। सब हमें न्यूटन के सेकंड लॉ से पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उस पर हम फोर्स को लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पे हमने माना है एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी की वैल्यू जी। सो ये हो जाएगा एम जी इज इक्वल्स टू जी एम ई इंटू एम अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। सो एम से एम कट जाएगा, वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। सो अब हम यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करेंगे। सो वैल्यू ऑफ जी इज 6.67 इंटू 10^-11 इंटू अर्थ का मास होता है अराउंड 6 × 10^24 kgs। एंड हम यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6400 किलोमीटर। सो उसको अगर हम न्यूटन में लिखें सो इट विल बी 6.4 इंटू 10^6 होल स्क्वायर। सो यहाँ से जो वैल्यू ऑफ जी निकल के आती है वो अप्रॉक्सीमेटली निकल के आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, दैट्स इट फॉर द लेक्चर। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।